2024 के पेरिस ओलंपिक में दुनिया भर के हजारों एथलीट्स हिस्सा लेंगे। इनमें से कुछ देश हर बार पदक जीतते हैं और उनके झंडे अक्सर मंच पर लहरते दिखते हैं। टॉप के देशों में रहने वालों में US, चीन, जर्मनी और रूस जैसे कई देश शामिल हैं। लेकिन हर देश इतना भाग्यशाली नहीं होता। कई देश ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक एक भी ओलंपिक खेल का रत्न नहीं मिला है। सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीतने वाले देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद जर्मनी का स्थान आता है। वहीं सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले देशों की बात करें तो US के बाद सोवियत संघ का नाम सुनाई पड़ता है। अमेरिका ने अब तक कुल 3,105 पदक जीते हैं। अमेरिका के नाम ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने का रिकॉर्ड है। साल 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के बाद US ने 1,229 स्वर्ण, 1,000 रजत और 876 कांस्य पदक जीते थे। यहाँ हम सबसे अधिक और सबसे कम पदक जीतने वाले देशों की बात करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 11 अगस्त किया जाएगा। इराक और सूडान उन देशों में से हैं जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में आज तक केवल एक ही पदक जीता है, जिनके पास सिर्फ एक पदक है। इराक ने 1960 के रोम ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, जबकि सूडान ने अहमद इस्लाम ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था। पूर्व अमेरिकन तैराक माइकल फेलिप्स ने व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने 2004 से 2016 के बीच कुल 28 पदक जीते हैं। इनमें से 23 स्वर्ण पदक है, जो किसी भी व्यक्ति एथलीट द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का एक और रिकॉर्ड है। भारत ने अब तक ओलंपिक इतिहास में 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक जीते हैं।